हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का रिव्यू, जो कि है बायोटिक का। सो गाइस, ये है बायोटिक की बायो सैंडलवुड क्रीम, जो कि है सनस्क्रीन। तो आपने बहुत सारी नॉर्मल क्रीम्स देखी होंगी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि सनस्क्रीन जो होती है लैक्मे की होती है, गार्नियर की होती है, अल्ट्रा शीन नाइट्रोजेना सनस्क्रीन होती, बहुत सारी क्रीम अवेलेबल होती हैं मार्केट में। तो हम लोगों का क्या डर रहता है कि जो मार्केट में सनस्क्रीन मिलती हैं वो केमिकल फ्री हैं या पे नहीं हैं, तो हम उसके लिए कोई और क्रीम्स भी चूज़ करना चाहते हैं, कि जैसे कि जो आयुर्वेदिक हो। तो मैं आपके लिए एक आयुर्वेदिक सनस्क्रीन लेके आई हूँ, जो कि ये वाली सनस्क्रीन है। तो आप सभी जानते होंगे जो बायोटिक के प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे आयुर्वेदिक होते हैं, वो कोई भी हार्मफुल केमिकल्स में नहीं होते हैं, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो ख़राब हो जाए। सबसे अच्छी बात इसमें SPF 50 है, जो कि हमें नॉर्मल क्रीम्स में भी SPF 50 नहीं मिलता है। किसी में होता है SPF 15, SPF 30, पर इसमें भी हमें SPF 50 मिल रहा है, तो क्यों ना हम इसको ही ले लें। ये भी मिलती है, आपको बजट फ्रेंडली भी मिलेगी। जैसे कि है ये, इसका प्राइस अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 220 रुपीज़। आप देख सकते हैं, फोकस नहीं पड़ रहा है, तो इसका प्राइस है 220 रुपीज़। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रीम है, मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने कई सारी क्रीम्स यूज़ करी हैं। बायो सैंडवुड 50 प्लस SPF सनस्क्रीन अल्ट्रा स्मूथिंग फेस क्रीम फॉर ऑल टाइप स्किन, आपकी ऑल टाइप स्किन के लिए है। आपकी ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, कैसी भी कॉम्बिनेशन स्किन हो, आपकी हर टाइप की स्किन में सूट करेगी। तो आप इसको एज अ क्रीम लगा सकते हैं, एज अ सनस्क्रीन लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी क्रीम है, मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। तो चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ, तो देख सकते हैं कि मैं इसको ओपन करती हूँ, इससे यहाँ से पैक रहती है ये। मैंने इसको ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं गाइस, ये थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है। ये रही वो क्रीम, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मैंने इसको यूज़ कर लिया है, और मेरी ये फर्स्ट क्रीम है, मैंने फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करना स्टार्ट करा है। तो मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ पहले, तो गाइस आप देख सकते हैं इसका कलर। इसका कलर ना आपको कैमरे में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसका एक कलर जो है ये हल्का सा पिंकिस टाइप में, वैसे तो ये वाइट कलर का है बट ये हल्का सा पिंकिस टाइप में है। तो जस्ट मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मेरी स्किन जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है इस वक्त, और ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़र क्रीम है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल है इसकी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है क्रीम। एज अ क्रीम, डे क्रीम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज अ सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो जैसे कि मैं अगर नॉर्मली बाहर जा रही हूँ तो इसको मैं ऐसे ही अप्लाई कर लेती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है सैंडवुड, सैंडवुड मतलब चंदन की खुशबू आ रही है इसमें। इस क्रीम की जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही प्यारी स्मेल है इसकी, सो मुझे बहुत अच्छी लगी ये क्रीम। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस क्रीम को नायका से परचेस करा था, नायका में सेल लगी हुई थी तो मैंने वहाँ से इसको परचेस करा था। तो नायका में भी काफ़ी ऑफर्स आते रहते हैं, तो आप लोग चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगी है। ये आयुर्वेदिक रेसिपी है जिसमें कि 100% बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट है, आपको इसमें केमिकल्स नज़र नहीं आएंगे, एकदम प्योर है सनस्क्रीन, और ये पूरी की पूरी आयुर्वेदिक है। क्वांटिटी की अगर बात करी जाए तो इसकी क्वांटिटी है 50 ग्राम की क्वांटिटी है इसकी। सो आपकी ये मंथली पूरा काम कर जाएगी, 1 मंथ आपके इसको अप्लाई रेगुलर करेंगे तो आपको ये पूरा चल जाएगा। ये जो सनस्क्रीन है ये वाटरप्रूफ भी है, आप इसको अप्लाई करते हैं और अगर आपके फेस में स्वेटिंग होती है तो उससे आपकी सनस्क्रीन रिमूव नहीं होगी। जैसे कि आप स्विमिंग करने जाते हैं, तो स्विमिंग करने जाने में आप धूप में कर रहे हैं अगर स्विमिंग, तो आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई करिए और धूप में भी रिमूव नहीं होगी सनस्क्रीन, काफ़ी देर तक टिकी रहती है ये सनस्क्रीन। अगर आप भी केमिकल फ्री सनस्क्रीन चाहते हैं या कोई क्रीम चाहते हैं तो आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस क्रीम को अपनी सेंसिटिव स्किन की वजह से इस क्रीम को परचेस करा है, बिकॉज ये आयुर्वेदिक है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं इस क्रीम को भी अप्लाई कर लेती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी सारी सनस्क्रीन ट्राई करती रहती हूँ, मुझे अच्छी लगती है,
तो ट्राई करते भी रहना चाहिए आपको। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। पर जाने से पहले मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है आप लोगों ने तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो गाइस बाय।